अभी सुबह सुबह का टाइम है और बारिश पता नहीं कल रात से या पता नहीं सुबह से हो रही है, और रायपुर में भी हो रही है, मम्मी से बात हुई, रेगुलर बारिश रुकी नहीं रही है, चढ़ी लगी हुई है तो पंजाबी से कह देते हैं। सो अभी लेने जा रहा हूँ मैं दूध, क्योंकि दूध नहीं है और प्लान काफ़ी है बाहर जाने के, बट बारिश थोड़ा सा कम हो फिर देखते हैं क्या बनता है। यार देखो चढ़ी लगी हुई है, सुबह से इतनी बारिश हो रही है ना, शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी तक ना बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं रही है। इतने प्लान्स थे हमारे, अब ये पानी फिर से भर गया यहाँ पे, फिर से देखना मच्छर और कीड़े इतने ज़्यादा आ जाएंगे ना, हर जगह इतनी बारिश है। Also guys, welcome back to a new vlog. So अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और बारिश ने इतना तंग करके रख दिया ना, हमारे आज इतने प्लान्स थे कि हम बाहर जाएंगे, चंडीगढ़ जाने का प्लान था। चंडीगढ़ में हमारे 2-3 काम हैं, ज्वेलर के पास जाना था, उसके बाद हमको इलांटे जाना था, 2-3 जगह के हम काम रोक के बैठे थे, लेकिन बारिश कल भी थोड़ी बहुत हो रही थी, कल इसलिए निकले कि बारिश ना हो जाए, और आज तो मतलब रुकी नहीं रही है। और मम्मी से बात हुई है वहाँ पर रायकोट में भी बारिश हो ही रही है, सो वो तो सुबह से 3 बजे से कह रहे हैं, हमको तो पता नहीं चला, हमने तो सुबह देखा, और ये बारिश हर जगह है, हर जगह। सो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतने प्लान्स चौपट हो चुके हैं, क्या करें, बाहर तो निकलने का मन ही नहीं है अभी, क्योंकि पानी इतना जमा हो जाता है ना इधर, और इतनी सड़कें ख़राब, एक तो ट्रैफिक, ऊपर से पानी जमा हो जाता है। अगर हम चले भी, अगर सोचे कि हमारे पास गाड़ी है, चले भी जाएँ बाहर, बट फिर निकलना बाहर घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बारिश में भीगने वाला ही काम है, और मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें बीमार होने का भी काफ़ी डर है, तो समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें, देखते हैं क्या प्लान बनता है फिर दिन का। आज शायद फिर घर पे रहें, घर पे कुछ करते हैं। क्या बन के बैठे हो कंचन आज? ये कैसा कलर कॉम्बिनेशन है? मेरा लगा सर्दियाँ आ गई, आज बारिश हो गई है, तो अभी से मैं ना फुल पहनना शुरू कर देती हूँ, ठंडा लग जाए। कच्चा बैंगन लग रही हो? क्या लग रही हो? कच्चा बैंगन। बैंगन ऐसे कलर का होता है? कच्चा ना, जो कच्चा हरा सा नहीं होता, थोड़ा सा पूरा ब्लू भी नहीं हुआ होता, पता नहीं, मैंने देखा नहीं कभी, मुझे दिखाना पड़ेगा। तो अभी कंचन को मैं बोल ही रहा था कि थोड़े दिन पहले पालक के पकोड़े खा के हटी है, बारिश का मौसम आज है, आज खाने चाहिए थे घर पे, कम से कम बनाते पकोड़े पकोड़े को। मैं तुम्हें कह रही हूँ बेसन के चिल्ले बना देती हूँ। चिल्ले चुल्ले नहीं यार, चिल्ले चुल्ले नहीं खाने मेरे को। हालो, अच्छे होते हैं। तुम ना बस एक हाथ में ना ब्रीफ केस ले लो, काला चश्मा लगा लो, हेलो किसी की सुपारी लेके लेने के लिए निकल लिया। हाँ। हमारे यहाँ पे सारे के सारे ये पर्दे गीले हो गए नीचे से, बारिश हो रही है बाहर, और यहाँ पे सारा के सारा पानी अंदर आ गया, पता नहीं यहाँ से कैसे अंदर आ गया, पहली बार देख रही हूँ मैं ये, आधे से ज्यादा के पर्दे हो चुके गीले, और ये बाहर इतने गंदे वाली बिजली कड़क रही है ना, एक तो इतने ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर से डर लगता है बिजली कड़कती है जब भी। बारिश की वजह से हम लोग बैठे हैं अभी घर पे, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे प्लान्स से जाना था सब कुछ कैंसिल हो गया। अभी मैंने कहा चलो यार बारिश भी है, अच्छे से तैयार शर होके घर ही बैठ जाते हैं, फिर आज बाहर जाने की बजाय घर ही तैयार होके बैठ जाती हूँ, तो अभी मैंने पहन लिया है और मूड ख़राब हो गया है थोड़ा सा हमारा। मैं ये सोच रही हूँ घर के जो काम है अब वही कर लेती हूँ, बाहर तो जा नहीं रही है मुझे, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ड्रेसिंग टेबल साफ़ करती हूँ अपना, सारे के सारा सामान सेट करती हूँ, मेकअप वगैरह जो भी है सारा सेट करूँ, अब वही करना पड़ेगा, कुछ और तो रहा नहीं है। तुम वही करो। वही करती हूँ। अरे ना एक्चुअली घर पे हो गए प्याज खत्म, और बाहर सब्जी वाला कोई है नहीं, अभी ऑनलाइन में भी आधा पौना घंटा लग रहा है, भूख इतनी लगी थी, तो अभी पराठे खाए जा रहे हैं अचार के साथ। जिंदगी में प्याज की इतनी ज्यादा अहमियत होती है ना, आज प्याज नहीं है हमारे पास और हमें ऐसे ही पराठे खाने पड़ रहे हैं। मैंने राजवीर को पूछा दाल खानी है, मैं दाल तो टमाटर वाली बना देती हूँ, उसको दाल नहीं खानी, बिना प्याज के दाल क्या होगी? नहीं दाल बन जाती है ना कुछ कुछ दालें, उसको तो सूप बोलो ना फिर, बिना प्याज के तो क्या ही मजा है, कुछ खाना ही नहीं राजवीर को, तो अभी हम लोग खा रहे हैं आज सिंपल पराठे अचार के साथ। तो नवरात्र शुरू होने से पहले ही हमको
बाहर सब्जी वाला नहीं है, बाहर फोन किया, यहाँ पे जो सब्जी वगैरह दे जाते हैं वो भैया भी नहीं, वो कोई रेडी वगैरह नहीं लगी क्योंकि बारिश हो रही है, और हम लोगों ने स्विगी से ऑर्डर कर दिया, वो अभी तक आया नहीं है, उसको घंटा दिखा रहा है, और भूख का हो गया बुरा हाल। तुम तो चाय तो बना लेते, तुम तो पराठे चाय के साथ भी खा लेते हो, लेकिन कॉफी मिली थी ना तो इसलिए चाय पीने का मन नहीं है अभी मेरा। चलो देखते हैं अभी कब तक आता है, अभी तो फिर उसके बाद दोबारा दूसरा राउंड होगा पराठों का। मैंने सारी की सारी बेल के रख दिए पराठे, मेरे को था कि जल्दी आ जाएंगे, बट बेले हुए अभी ऐसे कैसे पड़े, तो एक एक खा रहे हैं अभी कि जिससे थोड़ी सी शांति मिले भूख को, तो बनाएंगे फिर से बनाएंगे हम कुछ। सो अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि स्विगी वाले तो अभी एक घंटा दिखा रहे हैं, मतलब ये 8-9 बजे तक आएगा वो, तब तक तो पता नहीं कितनी बार और भूख लग जाएगी, तो अभी सबर नहीं हो रहा क्योंकि दो पराठे खा लिए थे मैंने, बट उससे भी ना पेट नहीं भरा, इसलिए प्लान में चेंज है। क्या प्लान है अभी? टमाटर टमाटर की चटनी खाते हैं, मैंने देखा है राजस्थान में बहुत लोग खाते हैं टमाटर टमाटर की ना, मैंने मेरी फ्रेंड भी बहुत खाती थी टमाटर की चटनी, तो मेरे को आइडिया है कि टमाटर की चटनी बनाते हैं, प्याज तो है नहीं, अब टमाटर के साथ ही सॉल्यूशन निकालते और खा के भी देख लेंगे कि कैसे बनते हैं, पहली बार बनेंगे तो अच्छे हैं। चटनी है टमाटर का तड़का, हमें टमाटर का तड़का जैसे इसको चटनी बोलते हैं, बट टमाटर की चटनी सी ना तो वो अच्छी होती होगी, चलो थोड़ा लगा लगा के खा ली में, हाँ टेस्टी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक्चुअली बात पता है क्या है, राजवीर कोई भी सब्जी नहीं खाता है बिल्कुल भी, सिर्फ एक भिंडी और एक आलू के अलावा, और छोले खा चुके हैं हम, राजमा खा चुके, तो बोर हो चुके हैं अब हम सब कुछ खा खा के, चाहे बाहर का खा लो चाहे घर का खा लो, लेकिन हो जाता है ना कि यार इतना खा लिया, रिपीट मोड पे चलता रहता है, तो फिर मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। ये तो टमाटर की चटनी कन, ये तो कंजे पाव भाजी बना दी तुमने, पाव भाजी जैसी लग रही है ना, हाँ। खा के देखी टेस्ट है, तुम खा के बताओ जरा कैसी है, ये तो पूरी पाव भाजी लग रही है, है ना? मुंबई में ट्राई कर रहे हैं पाव भाजी, टमाटर की पाव भाजी, हाँ। नहीं बट दिखने में बिल्कुल वही है, चले आलू भी मिक्स है इसमें, कुछ मिक्स नहीं है, हाँ है नहीं बट लग रहा है ऐसे देखने में। फाइनली कितने एक घंटे बाद है ना, एक घंटे बाद, एक डेढ़ घंटा हो गया, अब जाके आए हमारे प्याज आलू, ये मंगाया हम लोगों ने कोकोनट कटे हुए पीसेस मंगा लिए, हाँ मेरा मन कर रहा था खाने का, फिर वो बड़े वाला आता फिर उसको वही छिलने में प्रॉब्लम होती, तो इसको खा के देखते हैं अभी कैसा धो के आती हूँ, पहले मैं इसको ट्राई करूँगा, तुम खा लूँगा थोड़ा बहुत। सो अभी डिनर का टाइम हो गया और ये कंचन ने बना दिया आलू, प्याज थोड़े अब आ गए थे, थोड़ा अच्छे से डाल देते क्या? नहीं प्याज से डाले हैं। अच्छा, और यहाँ पे पापड़ खाएंगे आज और रोटी के साथ। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, सारा दिन बारिश ही होती रही, अभी भी नहीं रुकी, बारिश हो रही है, और अभी जस्ट मैंने नेट पे देखा है कि 25 तारीख तक पंजाब में काफ़ी जगह पे येलो अलर्ट चल रहा है कि बारिश होती रहेगी रेगुलरली, देखते हैं अगर कल बारिश नहीं तो हम ऑब्वियसली चंडीगढ़ जाएंगे कल, और ज़रूरी भी है। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, होपफुली आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।